मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज। पंचांग व साप्ताहिक राशिफल के साथ 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक क्या राशिफल आपका रहने वाला है और किस प्रकार से पंचांग है, कैसी आपकी कुंडली है, किस प्रकार से छोटे से उपाय करें ताकि आपके आने वाली परेशानियां आपसे बहुत दूर जा सके। मगर सबसे पहले समझ लेते हैं 20 अगस्त से 26 अगस्त तक का पंचांग। 20 अगस्त को भाद्रपद शुरू हो जाएगा, यानी कि भादों का महीना शुरू हो जाएगा और प्रथमा जो है यानी कि एकम जो है वो शय है, यानी कि बुधवार के दिन शय दिखाई गई है। पंचांग देवी दयाल के अनुसार देखते हैं यहाँ पर कि गुरुवार का दिन है, इसमें चंद्र दर्शन होंगे आपको, चंद्रमा का भ्रमण कुंभ राशि में रहने वाला है और उसके बाद 21 तारीख को हरितालिका तृतीया है, गौरी तृतीया भी इसको कहते हैं, यानी कि हरितालिका तृतीया आपको 21 तारीख शुक्रवार को पड़ेगी। इसके बाद चतुर्थी को शनिवार के दिन 22 तारीख से सिद्धि विनायक शुरू हो जाएंगे, गणपति बाप्पा मोरिया आपके वरस्तु जल्दिया, यानी कि 8 दिन के सिद्धि विनायक प्रारंभ हो जाएंगे। 22 तारीख चंद्रमा का भ्रमण कन्या राशि में रहने वाला है और रविवार के दिन ऋषि पंचमी है, 23 तारीख को चित्रा नक्षत्र रहेगा ऋषि पंचमी और बुध जो है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में चले जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद 24 तारीख की, सोमवार को स्वाति नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, चंद्रमा का भ्रमण तुला राशि में रहने वाला है, संतान सप्तमी व्रत भी है, जो लोग करते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा अवसर आएगा। 25 तारीख की बात करते हैं, मंगलवार को विशाखा नक्षत्र है, मंगलवार को दूर्वा अष्टमी व्रत है, राधा अष्टमी भी इसको बोलते हैं, ये भी व्रत जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए श्रद्धापूर्वक करने का सुनहरा मौका आने वाला है। इसके बाद बुधवार के दिन बात कर लेते हैं, बुधवार के दिन यहाँ पर अष्टमी होगी और दधीची जयंती भी है। 26 तारीख चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में रहने वाला है और महालक्ष्मी व्रत भी प्रारंभ हो जाएंगे, जो लोग महालक्ष्मी व्रत करते हैं वो व्रत भी प्रारंभ हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपकी राशियों की और सबसे पहले बात कर रहे हैं मेष राशि वालों के साथ, ये सप्ताह 20 तारीख से 26 तारीख तक कैसे रहने वाला है। भाई मंगल का भ्रमण आपकी स्वयं राशि में चल रहा है, आप सेनापति जब अपने घर में हो तो सबसे बड़ा बलवान ये होता है कि आपके पास जो कुछ है वो आपका संचय रहेगा। अपने मन को नियंत्रण रखना होगा, बहुत ज़्यादा दूसरों की बातों में नहीं आना हो, बहुत सारा ज़्यादा दूसरों के लिए सहानुभूति पेश नहीं करनी, अपना धन संचय दूसरे को देना नहीं, फिर बाद में ना कहना हमने बताया नहीं, तो ये बचा के रखो। चोले का दान दो, चोला आपके लिए देना हितकारी रहेगा, आपका धन संचय रहेगा और आपकी संपत्ति बची रहेगी। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं, शुक्र की राशि है, राशि स्वामी शुक्र बुध की राशि में भ्रमण कर रहे हैं। अब राहु के साथ है, चिंता तो आपकी बनी हुई है, चिंता पिछले काफ़ी दिनों से बनी हुई है, रोग को लेकर आप परेशान हैं, किसी न किसी बात को लेकर टेंशन है, बच्चों के मन मिटाव को लेकर परेशान है, पेरेंट्स की आपस में अनबन बन नहीं रही, क्या करें। भाई शुक्र की राशि है, कोई काम वाली आती हो, घर में काम करने वाली आती हो, कोई गरीब महिला पुरुष हो तो स्त्री और स्त्री हो तो पुरुष, चावल चीनी का दान दे दो, इससे क्या होगा, इससे आपका कष्ट हरेगा, शुक्र बलवान होगा आपका। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं, बुध की राशि है, राशि स्वामी बुध की बात करते हैं, वो सिंह राशि में बुध आदित्य योग बनाए हुए हैं। अब ये बड़ी बात है कि बुध आदित्य योग मिला बनाए, धन तो आने के स्रोत खुलेंगे, बिजनेस के स्रोत खुलेंगे, व्यापार में नई प्रमोशन के योग भी दिखेंगे और नई जॉब भी मिल सकती है, एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आपको फायदा होने वाला है, कोई अच्छे नतीजे आने वाले हैं, आपका मन बहुत प्रसन्न होने वाला है, तो ये कुल मिलाकर देखें तो ये सप्ताह आपके पास अच्छा बीतेगा 20 से 26 तक का। मगर एक बात स्पष्ट है, नज़र आपको लग सकती है, इस बात का आपको बच के रहना होगा, अपनी प्रशंसा बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बहुत ज़्यादा गाना नहीं है, जब तक काम पूरा ना हो, वजन के बराबर बुधवार को चारा दे दो, गुरुवार से बुधवार तक की हम राशि बताते हैं तो आने वाले बुधवार को चारा दे दो, पहले भी दे सकते हो, अगर आपने राशि पढ़ ली तो पहले दे दो तो आने वाला सप्ताह आपका अच्छा व्यतीत होगा। कर्क राशि की बात कर लेते हैं, कर्क राशि चंद्रमा की राशि है, अब चंद्रमा का भ्रमण यहाँ पर आपका सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, कन्या राशि में भी रहेगा, तुला राशि में भी रहेगा, वृश्चिक राशि में भी रहेगा पूरे सप्ताह। अब चंद्रमा का भ्रमण
तीन राशियों में मुख्यतः रहने से एक बात तो स्पष्ट है, इन राशि वालों में, अब हम बात कर रहे हैं जब कर्क राशि की, तो कर्क राशि वालों को इन राशि वालों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता, क्या करें ताकि उनसे बात बनी रहे। सोमवार के दिन चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के मंदिर में मखाने की खीर भेंट दो, दोस्ती पक्की रहेगी, अच्छा बना रहेगा योग। बात कर लेते हैं सिंह राशि की, मगर उससे पहले जैसे कि हम आपकी कुंडली देखते हैं तो एक हमारे पास जो कुंडली आई है मिस्टर विशाल की आई है। विशाल जानना चाहते हैं कि मेरे को बहुत बड़ी एक समस्या है जिसके कारण मैं जूझ रहा हूँ, मेरे कमर में दर्द है, मेरे पेट में भी दर्द रहता है और मेरे पे आय के स्रोत बंद हो गए हैं। 28/1/1973 की कुंडली है, रात को 8 बजे का जन्म है, दिल्ली का जन्म है आपका, वृद्धि योग में जन्म हुआ है, दशमी कृष्ण पक्ष का जन्म है। कुंडली देखते हैं तो अनुराधा नक्षत्र की आपकी कुंडली देखने को मिल रही है हमें, और बात करते हैं आपकी कुंडली की तो सिंह लगन की कुंडली है और लगन के स्वामी की बात करते हैं तो ये आपके मांगलिक योग बना रहे हैं, माता के घर में चंद्रमा के साथ युति बनाए हैं। और महादशा की बात कर लेते हैं आपकी कुंडली में तो इस समय की महादशा शुक्र की चल रही है और शुक्र की महादशा आपकी, शुक्र में अंतर दिशा और प्रत्यंतर की बात कर रहे हैं तो शनि की है और 16/9/19 करीब आप मान के चलो इसको कि ये 21 तक तो रहेगी, ये आपको कष्ट देगी, करें क्या उपाय। एक बार घर के अंदर रूपक रुद्री करा लो, बस एक बार पंचांग पूजा, रूपक रुद्री, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता को समर्पित करो, करके देखो आपकी सेहत भी दुरुस्त होगी। और एक जड़ बताते हैं आपको, कहीं से आपको अपामार्ग की 5 ग्राम की जड़ मिल जाए उसको लाल कपड़े में गले में पहन लेना, ये आपका रोग निवारण में सहायता करेगी, आपको वात के रोग कम होंगे, ये वात के रोग है। बात कर लेते हैं सिंह राशि की, सिंह राशि की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंह राशि के स्वामी की बात कर रहे हैं, ये बुध आदित्य योग अवश्य बनाए हैं और अपने ही घर में बैठे हैं। जब अपने घर में बैठा होता है ना मालिक, बड़ा संपन्न होता है, बड़ा खुश होता है, संतुष्टि आपको है, मगर दूसरों का कार्य करने की कोशिश ना करें, दूसरों की मदद बहुत ज़्यादा करने की कोशिश ना करें, अपनी हद में ही कोशिश करें और दूसरों के पछड़ों में ना पड़ें, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। एक जो बड़ा कार्य आपने करना है इस सप्ताह, लाल फलों का दान देना है लाल कपड़े में बांध कर, रविवार के दिन सूर्यनारायण को जल दो, अक्षत रोली डालकर सूर्यनारायण को अपने सिर के ऊपर से जल दो, ये नियमित रूप से देना प्रारंभ कर दो ताकि आपकी राशि रहे बलवान। कन्या राशि की बात कर लेते हैं, कन्या राशि की राशि स्वामी यहाँ पर आपकी बुध आदित्य योग बनाए हैं, राशि स्वामी बुध हैं। देखो जब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, इनको उतावलापन बहुत ज़्यादा, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा, किसी काम को लेकर बेचैनी है इनको कि ये काम जल्दी से क्यों नहीं हो रहा, समय लगेगा, आने वाले सप्ताह के बाद आपका योग बनेगा, अभी आपको उतावलापन नहीं दिखाना, पेशेंस से काम करना है, बड़ों का आशीर्वाद लेकर काम करना है, बाहर निकलने से पहले शुभ पैर बाहर निकालो, सीधा पैर बाहर निकालो, तिल के तेल का, सरसों के तेल का और घी का दीपक जलाओ संध्या काल को, तीनों दीपक जला के देखो, आपकी राशि को बल मिलेगा, काम आपके बनेंगे। बात कर लेते हैं तुला राशि की, तुला राशि वालों के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति है क्योंकि राहु की युति राशि स्वामी को बेचैन तो करे हुए है, अचानक आपको अच्छी खबर आएगी, दूसरों को देखकर अपने आप को निराश नहीं करना, ये आपके मन में जो चलेगा ये आपको कष्टकारी है, इससे आप अपनी सेहत खराब कर सकते हैं। दूसरा जो कर रहा है, जैसा कर रहा है, फल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसको देखकर परेशान ना हो क्योंकि उसको देखकर आप अपने आप को चिंतन में कर डाल लोगे। पहला सूत्र अपना लो इस सप्ताह के लिए, उपाय क्या करना है आपने, यथाशक्ति किसी छोटी कन्या को पोशाक दे दो, नहीं है तो भगवान जी के मंदिर में ले जाकर दे दो, ये आपके लिए हितकारी रहेगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, राशि स्वामी मंगल, और मंगल की बात करें तो मंगल स्वगृही, और स्वगृही होने से एक बात स्पष्ट है कि भूमि मकान की योजना बन सकती है, वाहन की योजना बन सकती है, अच्छी योजना, मगर जब तक काम पूरा हो किसी को बताया नहीं, ये बात सोच लेना, भाई नज़र भी लग सकती है,
तो नज़र से बचने के लिए क्या करें, 125 ग्राम गुड़, 125 ग्राम भुने हुए चने शाम को 4 बजे के बाद बंदरों को या गाय को या मंदिर में देने शुरू कर दो, राशि बलवान होगी आपकी। धनु राशि की बात करते हैं इसके बाद, गुरु की राशि है धनु राशि। क्या कहती है राशि है? धनु राशि वालों के लिए संकेत यह है कि बड़ों का बुजुर्गों का आशीर्वाद लें तो आपको उन्नति सफलता अवश्य मिलेगी, जिसकी आप प्रतीक्षा बड़े दिनों से कर रहे हो, प्रमोशन रुका हुआ है या जो काम आपके रुके हैं वो आपको सफलता मिलेगी। उपाय क्या करें, माता या पिता या बुजुर्गों को वस्त्र पोशाक और पीली मिठाई लाकर भेंट दे दो, सबसे आसान उपाय है आपके लिए, बहुत जल्दी मिल जाएगी। मकर राशि की बात करते हैं, शनि की राशि है, शनि अपने घर में बैठे हैं, स्वयंघर ही हैं, विशेष रूप से आपको सांत्वना है, सेटिस्फैक्शन है, मगर कहीं ना कहीं सोच में आपकी चल रहा है कि मैं पिछले लॉसेस को कैसे कवर करूं, चाहे व्यापार हो चाहे जॉब हो, या बच्चों के एग्ज़ाम में नंबर कम आए हों, उतना उन्हें पढ़ने को नहीं मिल रहा हो, तो वो थोड़ा सा मंथन में है, मंथन की स्थिति से बाहर आओ, प्रेजेंट में अपने आप को लाओ और हिट करो सिर्फ उस चीज़ को जो टारगेट है आपका, तब सक्सेस ज़्यादा होगी। किसी गरीब बच्चे को पुस्तिका भेंट दे दो, पढ़ने का सामग्री दे दो, पुस्तिका दे दो, किताब दे दो, कॉपी दो, जो आपको मिल जाए आसानी से वो दे दो। शनि की अगली राशि की बात कर लेते हैं, कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नकारात्मक सोच आपकी हो सकती है, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाओ, अपनी थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करो ताकि आपको सक्सेस जल्दी मिले। एक और चीज़ आपके साथ है, कहीं जाने की योजना थी, कोई काम के लिए योजना थी, वो तो अभी होने वाली है नहीं आपकी, थोड़ा डिले आपके साथ अवश्य हो गया। खान पीन पर ध्यान रखो, वाहन चलाते समय सावधानी बरतो, विशेष रूप से बच्चों के लिए। क्या दान करो, एक नारियल के ऊपर 5 बार मौली लपेटो, काले तिल से तिलक लगाओ, बहते पानी में छोड़ दो, पीपल पे रख दो, पुजारी जी को दे दो, बड़ा सरल दान। बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि गुरु की राशि है, संयोग की बात है, माता पिता की सेवा का अवसर मिले तो कर लेना, बुजुर्गों की सेवा का अवसर मिले तो कर लेना, पुरोहित की सेवा का अवसर मिले तो कर लेना, मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो, कर लेना। इसलिए क्योंकि आपको आशीर्वाद की जरूरत है, क्षमता आपके अंदर है, बाहर नहीं आ रही आपकी, कैपेबिलिटी आपकी है, कूट कूट के आपके अंदर इस समय आई हुई है, बाहर कैसे आए, शो नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही आपको, क्या करें उसके लिए? सरल उपाय है, खड़ाऊ लो कहीं से, पीले कपड़े बांधो और 1.25 किलो चावल के साथ थोड़ा सा उसमें हल्दी मिला दो चावलों में, पुजारी जी को दान दे दो, अच्छा उपाय है, करके देखो। अब उनके लिए महा उपाय जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, इस सप्ताह कौन सा ऐसा महा उपाय करा जाए जिनको अपनी राशि नहीं मालूम, उनके लिए भी सुन लो भाई। इस सप्ताह चंद्रमा का भ्रमण हमने बताया आपको कन्या राशि से लेके तुला राशि में और वृश्चिक राशि में रहने वाला है, तो ऐसा उपाय हो जो चंद्रमा सबके लिए शुभ का हो। चंद्रमा अगर शुभ हो तो मन का कारक है चंद्रमा, बहुत अच्छे फल देता है। क्या करना है, खीर बनानी है आपने घर में सोमवार के दिन या किसी भी दिन, सोमवार या गुरुवार के दिन में केसर की युक्त खीर पंचमेवा की बनाइए, चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के मंदिर में भेंट दीजिए, और साथ में क्या करना होगा, प्रसाद स्वरूप वितरण कर लो, खुद खा लो। इस उपाय को करके देखो, आपको मन आपका नियंत्रण रहेगा, अचानक काम बनेंगे, प्रोग्रेस आपके साथ लगेगी, ईश्वर की कृपा आपको मिलती रहेगी, ऐसी हमारी आपको शुभकामनाएं भी हैं। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे परामर्श करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप हमारा नंबर है 9811625836, इस पर अपनी डिटेल भेजिए और साथ में ये भी लिख के भेजिए कि आप अपनी कुंडली यूट्यूब पर सुनना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।